गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। सो क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 34.27 एंड 123.8 फ्रॉम द सम ऑफ 12.937 एंड 300.6। कहता है कि दो नंबर के सम में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा बेटा, सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सम ऑफ 3427 प्लस 123.8, इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी हमें कितने डिजिट बनाने पड़ेंगे, 2 डिजिट बनाने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दी, 0 पुट कर दी। अब क्या करेंगे, इनको रीअरेंज करेंगे, किस में, 3427 किस में, कॉलम वाइज 123, और जो डेसिमल है वो डेसिमल के नीचे ही आएगा, 80। तो 7, 8 + 2, 10, 1 कैरी, 4 + 3, 7 and 1, 8, 2 + 3, 5 एंड 1 as it is, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम फाइंड आउट करेंगे, 12.937 प्लस 300.6। अब यहाँ पे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे भी हमें 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो और पुट कर देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, 12.937 प्लस 300.600, तो क्या हो गया, 7, 3, 9 + 6, 15, 1 कैरी, 2 + 1, 3, 1, 3, 313.537। क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट द सम, सम किसका, पहले दो नंबर का सम ये है बेटा, तो सब्ट्रैक्ट 458.07 फ्रॉम 313.537। कहता है कि सब्ट्रैक्ट करो 58.07 को किसमें से, 313.537 में से, ठीक है बेटा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले आ जाता है, 313.537 माइनस 158.07, ठीक है बेटा। यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी हमें 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 313.537 में से क्या माइनस करना है, 158.070, तो 7 में से 0 गई तो 7 as it is, 3 में से तो नहीं जा सकते तो कैरी लिया, 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ पे कितने रह गए, 4 में से 0 गई तो 4, 33 में से तो 8 नहीं माइनस करते तो सकते तो 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ पे क्या रहेगी, 0 में से 5 नहीं कर सकते तो 1 कैरी लिया, 10 में से 5 गए तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1। क्या आंसर आया बेटा हमारे पास, 155.467, ठीक है बेटा। क्या आंसर आया हमारे पास, 155.467, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 381.6 टू ऑब्टेन 28.88। कहता है कि हमें क्या घटाना चाहिए, किसमें से, 381.6 में से, कि हमें क्या मिले, 28.88 मिले, ठीक है बेटा। तो हमने वो नंबर क्या मान लिया, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, वो नंबर हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इसमें से x घटाना है, सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम 381.6 में से हमें कितना मिलेगा, 28.88, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम से पहले, फ्रॉम के बाद वाला कहाँ पे आता है, पहले आता है 381.6 माइनस x इज इक्वल टू, ए एक्स कहाँ चला जाएगा बाद में, सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन, इज इक्वल टू 288.88, ठीक है बेटा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, लेकिन x तो यहाँ पे किसका है, माइनस का, तो कहाँ पे ले जाएंगे, दूसरी तरफ, 381.6 इज इक्वल टू 288.88, ये x उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का, इधर अगर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का, अगर उधर माइनस
अगर इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, ठीक है बेटा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, तो इस दूसरे नंबर को खा लेके आएंगे इस तरफ, तो 381.6 माइनस 28.88, ये किसका था, प्लस का था, इधर आया तो किसका हो गया माइनस का, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है बेटा। अब इसमें से ये क्या करना है, हमें माइनस करना है, यहाँ पे कितने डिजिट है, टू डिजिट है, तो यहाँ पे भी हमें कितने बनाने पड़ेंगे, टू डिजिट बनाने पड़ेंगे, तो 381.60 में से क्या माइनस करना है, 28.88, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, 10 में से 8 गया तो 2, 5 रह गया, 5 में से 8 तो नहीं माइनस कर सकते तो 1 कह लिया, 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पे कितनी रहेगी, 0 में से तो नहीं कर सकते तो 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे कितना रह गया, 7 में से 2 गया तो 5 एंड 352.72, क्या आंसर आ गया हमारे पास, 352.72, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राम आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन इन 4.5 सेकेंड, कहता है कि राम आंसर करता है फर्स्ट क्वेश्चन को कितनी सेकेंड में, 4.5 सेकेंड में, और सेकेंड क्वेश्चन को 3.3 सेकेंड में, तो हाउ लॉन्ग डिड ही टेक द सोल्व बोथ क्वेश्चन, बोथ क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना टाइम लेगा, ठीक है बेटा। तो क्या लिखेंगे, राम टेक टाइम फॉर फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व, राम टेक टाइम टू सोल्व फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड, राम सोल्व टू सेकेंड क्वेश्चन इन 3.3 सेकेंड, राम टेक्स टोटल टाइम इज इक्वल टू 4.5 + 3.3, दोनों को क्या करना है आपको, प्लस करना है, ठीक है बेटा, तो ये खुद से ट्राई करेंगे। अब सेवन्थ क्वेश्चन क्या कहता है, रिया वेट 63.06 kg, हर ट्विन सिस्टर सालोनी वेट 49.37 kg, कहता है ये रिया का वेट तो कितना है, 33.06 kg है, और उसकी ट्विन सिस्टर सालोनी का वेट कितना है, 49.37 kg है, हाउ मैनी लेस डज सालोनी वेट, कहता है कि सालोनी का वेट कितना कम है। अब देखो बेटा, रिया का वेट तो कितना है 63 और सालोनी का कितना है 49, तो रिया का क्या है ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, ज़्यादा में से कम को माइनस से करना है, ठीक है बेटा, तो 63.06 - 49.37, यहाँ पे भी टू डिजिट, तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, माइनस से कर देंगे, 63.06 - 49.37 क्या है, और ये केजी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे से 6 में से 7 तो नहीं ले सकते बेटा, यहाँ पे 0 इसमें से भी नहीं ले सकते, तो यहाँ से लिया तो ये कितना होगा 10 से यहाँ पे लिया तो कितना होगा 16 में से 7 गए तो 9, यहाँ पे कितना रह गया 9 में से 3 गए तो 6 पॉइंट, अब यहाँ पे कितना रह गया था 2 रह गया था, क्योंकि यहाँ से 1 कैरी ले लिया हमने, अब 2 में से 9 तो नहीं कर सकते तो 1 कैरी लिया, 12 में से 9 गया तो 3, और 5 में से 4 गया तो 1, 13.69 kg क्या आ गया हमारे पास, 13.69 kg, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कहता है कि बोथ रमन एंड सुमन वर सिक, जो रमन और सुमन है दोनों ही क्या है, बीमार है बेटा, ठीक है। रमन हैड ए टेम्परेचर ऑफ 102.12 डिग्री सेल्सियस, जो रमन है उसको जो टेम्परेचर मीन्स बुखार है वो कितना है बेटा, 102.12 डिग्री सेल्सियस है। सुमन हैड ए टेम्परेचर ऑफ 1.38 डिग्री लेस देन रमन, रमन से जो सुमन का टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, कम है कितना, 1.38 डिग्री सेल्सियस, कहता है कि व्हाट वाज द सुमन टेम्परेचर, सुमन का टेम्परेचर कितना है, ठीक है बेटा। तो रमन का कितना है 102.12 डिग्री सेल्सियस, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, जितना सुमन का कम है, सुमन का कितना कम है 1.38 डिग्री सेल्सियस, दोनों में कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद, 2 डिजिट है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं,
102.12 डिग्री सेल्सियस है माइनस 1.38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, तो यूनिट तो यही रहेगी, डिग्री सेल्सियस एलडीज रहेगी। 12 में से 8 गए तो 4, 10 में से 3 गया तो 7, 1 में से 1 गया तो 0.01। तो जो सुमन का टेम्परेचर है वो कितना है बेटा, 100.74 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 100.74 डिग्री सेल्सियस। ना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सुरेश रन 2.56 माइल्स इन 25 मिनट्स। जो सुरेश है वो क्या करता है, भागता है बेटा कितना, 25 मिनट्स में 2.56 मील्स। ठीक है बेटा, अब वो क्या कहता है, संजय रन 2.29 मील्स इन 25 मिनट्स। दोनों ही 25 मिनट्स में भागते हैं बेटा। अब संजय उतनी ही मिनट्स में कितना भागता है, 2.29। हाउ मच फर्दर डिड सुरेश रन इन 25 मिनट्स। अब जो सुरेश है वो 25 मिनट्स में कितना ज़्यादा भागता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 2.56 माइल्स माइनस 2.29 माइल्स। ठीक है बेटा, दोनों में कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो सेम डिजिट है, हमें लाइक डेसिमल में चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये पहले से किस में है, लाइक डेसिमल में है। तो 16 में से 9 गया तो क्या बचा बेटा, 7, 4 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो 0.27 माइल्स। जो सुरेश है वो कितना ज़्यादा भागता है बेटा, 0.27 माइल से ज़्यादा भागता है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।